हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बसरा के एक बाजार में लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम देखा। जब आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक पुरवकार शख्स बैठा हुआ लोगों को मुख्तलिफ अमराज के नुस्खे लिख के दे रहा है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मैं उसके करीब गया, मैंने दरियाफ्त किया कि हकीम साहिब, तुम्हारे पास गुनाहों की दवा का कोई नुस्खा है? गुनाहों की दवा का कोई नुस्खा है? हकीम साहब ने मुझे गौर से देखा, कहा हाँ है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। कहता है मैंने जल्द ही कलम उठाई, मैंने कहा हकीम साहब बोलिए। उसने कहा कि ईमान के बाग में जाकर नियत की चंद टहनियां ले लेना। वो हकीम मुझे नुस्खा लिखवा रहा था, कह रहा था ईमान के बाग में जाकर नियत की चंद टहनियां ले लेना, फिर शर्म और हया के कुछ बीज और तवक्कुल के चंद पत्ते भी ले लेना। ईमान के बाग में जाकर नियत की चंद टहनियां ले लेना, फिर शर्म और हया के कुछ बीज और तवक्कुल के चंद पत्ते भी ले लेना, फिर अखलास का मगज, मोहब्बत का छिलका तौफीक के हाथ और तस्दीक की उंगलियों से उठाकर इन चीजों को उम्मीद की हांडी में डाल दे। अगर हो सके तो खाशियत इलाही में निकले आंसू भी इस हांडी में डाल देना, फिर इश्क की आग से इन्हें खूब पकाना। जब बुग्ज, कीना, हसद, अनाद, हिर्स और अना की मेल कुचेल अलग हो जाए तो रजा के प्याले में इसे उठाकर डाल देना, और फिर क्या करना, इस्तगफार का पंखा चलाकर इसे ठंडा कर लेना। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये एक मजेदार सा शरबत बन जाएगा। इसके पीने का तरीका ये है कि ये शरबत ऐसी जगह पिया जाए जहां खुदा के सिवा कोई भी ना देखता, बस फिर क्या होगा, इसके पीते ही गुनाहों का मर्ज जाता रहेगा। अल्लाह अकबर। साहिब, जिस तरह जान बचाने का नुस्खा होता है, जिस तरह जान बचाने की दवा मिल जाती है, इसी तरह ईमान बचाने की दवा भी मिलती है अगर कोई लेने वाला हो।